टीवी के सीरियल विक्रम बेताल में शुरू हो गई है एक और नई कहानी, और ये कहानी है राजकुमारी नर्मदा की, जिसका किरदार निभा रही है सास बहू और बेटियां की होस्ट पूजा कंवल। और कहानी की शुरुआत में ही ट्विस्ट ऐसा आया कि राजकुमारी बन गई मुजरे वाली। असल में राजकुमारी सिर्फ अपने भाग्य पर विश्वास करती है, और ऐसे में उसकी शादी हो जाती है एक देवदास से जो किसी और से प्यार करता है, और उसको पाने के लिए वो अपनी बीवी यानी राजकुमारी नर्मदा को कोठे पर बेच देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, और देखिए इस मुसीबत की घड़ी में वो अपने पति का पूरा साथ दे रही है और उसे ठीक करने के लिए शिव जी की आराधना भी कर रही है। आ गए आप, हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि सास बहू और बेटियां में रोज मैं आपको सीरियल्स की दुनिया की इतनी सारी कहानियां बताती हूँ, और आज आप यहाँ मुझसे मेरी ही कहानी पूछने आ गए। चलिए पूछिए। ओके, तो पहले तो पूजा मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका सास बहू बेटियों में। अच्छा, स्वागत करती हूं। हाँ, स्वैग से स्वागत। आपके कैरेक्टर के बारे में पहले तो हम जानना चाहेंगे। बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, टीवी में फिर से आने के लिए जैसा कैरेक्टर चाहिए था, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, कुछ कुछ ऐसा ही है। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इनफैक्ट शायद मैंने ये कैरेक्टर इसलिए लिया क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगा शायद ये किरदार निभा निभा कर ही शायद मैं इसे समझ पाऊँ। अपने भाग्य पर मतलब डेस्टिनी पर ये इतना ज़्यादा बिलीव करती है कि इसके अराउंड जो भी होता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसे लगता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या हमें लाइफ में किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप को टोटली अपने भाग्य पर सरेंडर कर देती है, और फिर कहाँ से कहाँ उसका भाग्य उसे ले जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। ओके, वैसे बात करें सीन की, तो जैसे देवदास में चंद्रमुखी देव को पारो से मिलाने जा रही थी, आज यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कहीं नर्मदा जा रही हैं अपने देव को, कामेश्वर को चंद्रमुखी। नर्मदा ने अपने भाग्य में अपना पूरा जीवन डाल दिया है, तो वो कहीं जा या किसी को ले जा नहीं रही है, मतलब ले जा रही है, लेकिन उसके माइंड में एक ही चीज़ है कि मैं अपने भाग्य के साथ ही फ्लो करूँगी, और वो मुझे जहाँ भी ले जाए, मेरी परिस्थितियाँ जिस हालात में मैं हूँ वो मुझे जहाँ भी ले जाए मैं उसी के साथ फ्लो करूँगी। और ये बहुत ही अनोखी किस्म की किरदार है, इसीलिए उसकी कहानी शुरू होती है महलों में, वो रानी है, फिर वो क्यों ऐसे, किससे शादी की, क्यों उसका जीवन ऐसे हुआ, ये सभी कहानी के सारे राज हैं। क्योंकि उसे स्वयंवर भी काफ़ी अलग ही हुआ है, जैसे कि आप प्रिंसेस हैं, रानी हैं, स्वयंवर क्यों ऐसा हो गया कि एक किसी जुआरी से आपको शादी करनी पड़ी, ये क्या सिचुएशन था? उसकी शादी इस जुआरी से स्वयंवर में नहीं हुई, स्वयंवर में तो उसने सबको ठुकरा दिया। ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो अपने भाग्य पे इतना विश्वास करता है, उसे लगता है कि हमें स्वयंवर रचने की या किसी के ऑफर को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने के लिए हम कौन होते हैं, ये सब तो हमारा भाग्य ही हमसे कराता है, और जहाँ उसका भाग्य उसे ले जाता है वो वहाँ ही आ पहुँचती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस सीक्वेंसेस शूट हुए हमारे इसमें, एक तो एक किस्म का तांडव भगवान के लिए, एक आराधना जिसे कह सकते हैं वो भी, और एक कोठे वाला डांस भी हुआ इसमें। अब वो सिचुएशंस एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे तो डांस पता ही है, आई थिंक अब तक आप सब इस बात को जान गए होंगे, लेकिन मुझे जो सिचुएशंस में और जैसा डांस करने को मिला इसमें बहुत मज़ा आया। देखिएगा ज़रूर, इतने समय बाद मैं आपसे नहीं अपने किरदारों से बात कर रही होंगी नए किरदार में। बहुत लोगों ने बोला कि बहुत समय हो गया, एंकरिंग तो बहुत अच्छे से चल ही रही है, लेकिन वो एक्टिंग वाली याद आ रही थी, तो देखना ज़रूर और बताना कैसे लगा।